हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को हम दोनों की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं हमारे ऑफिस और वहां पे हम सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त। तो चलो चलते हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, आज हम 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने अपने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल के बाद हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। दोस्तों, 15 अगस्त के प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी शामिल हुए थे, जिनमें से कि कुछ जापानी टूरिस्ट थे और वह बहुत ही खुश हो रहे थे और इंडिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोल रहे थे। उनके चेहरे से उनकी खुशी झलक दी थी। ध्वजरोहण का कार्यक्रम शिल्पग्राम पार्किंग में किया गया, गाइड ऑफिस के बिल्कुल पास में, और इसमें सभी उच्च अधिकारी शामिल थे। जो हमने 50-40 साल का समय इस टूरिज्म क्षेत्र में दिया है, तो हमारी जो महारत है वो इसी क्षेत्र में है। फिर भी कुछ लोग अन्य क्षेत्रों में पलायन करके गए और किसी समय का अभाव है, क्योंकि सारे अधिकारियों को कई जगह आपको बताया कि झंडारोहण के लिए जाना है, इसलिए समय को सर्वोपरि मानते हुए हम सबसे प्रथम अपने राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। मैं आप सबको पता है, लेकिन परंपरा है, सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और पूरे जोश से अपने राष्ट्रगान का को करेंगे, तो उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। SDM साहब आ चुके हैं, ACP साहब से आपका परिचय है, संगीत गर्ग साहब हमारे लखनऊ से, हमारे उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के बड़े अधिकारी हैं, संजय शर्मा जी आप जानते हैं, और बाकी आपके साथ हम लोग हैं। नेशन फर्स्ट है क्या? जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या उसमें हमारी यह भावना है कि राष्ट्र प्रथम? किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन अपने दिल में
आप जरूर पूछें कि क्या जो काम मैं कर रहा हूं उसमें राष्ट्र प्रथम है, शायद जवाब आप सब जानते हैं। इसीलिए आज का जो थीम है वो इतना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बदलाव आप देख रहे हैं, सतह पर आ रहे हैं, अधिकारी अच्छे आ गए हैं, काम एक साल से चल रहा है, एक दिन में हथेली पे सर तो नहीं जम जाती, लेकिन जो यात्रा एक साल पहले हमने शुरू करी थी अप्रैल के महीने में, आज उसको फलीभूत होते हुए हम देख रहे हैं। ऑफिस हमारे बन गए हैं, कैनोपियां हमारी लग गई हैं, हमारे वेरिफिकेशन हो गए हैं, आप देखिए जो व्यवस्थाएं बन रही है। आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हुआ है शिल्पग्राम को बनाने के लिए, आने वाले समय में हम ये आशा करते हैं कि वो जल्दी ही तैयार हो जाए। और इस सबसे जो लोग लाभान्वित होंगे, पर्यटन होगा और पर्यटन से रोजगार कमाने वाले हम जैसे लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो इससे इस चेन में जुड़े होंगे। लेकिन फिर मैं अपनी पुरानी बात पे आऊंगा कि आज जो हमारा थीम है वो हमारे लिए एक गुरु मंत्र की तरह होना चाहिए। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, कुछ हमारे नॉन हिंदी स्पीकिंग भी लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए वी आर सेलिब्रेटिंग हियर 77th इंडिपेंडेंस डे। और हम सभी आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस इस वजह से मना पा रहे हैं कि हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, तन मन धन से उन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सर्वत न्योछावर कर दिया इस देश पर, तब आज हम यहाँ बैठकर 77वां स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। तो हमें उनकी कुर्बानी को सदा याद रखना है, उसलिए ये स्वतंत्रता दिवस है। और दूसरा इसलिए भी है कि हमें उस गुलामी में जो दंश हमने सहे हैं उनसे सीख ली। फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ घूमता है, 130 करोड़ जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते, एक गाइड हमारा 130 करोड़ जनसंख्या को, आप जो बताते हैं, जो बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आचरण रखते हैं, वो इमेज 130 करोड़ जनसंख्या की लेकर जाता है इस आगरा शहर से। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि उस जिम्मेदारी को समझिए कि आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो आदमी जब जाएगा यहाँ से तो आपके आचरण और व्यवहार को ही इंडिया का आचरण और व्यवहार मान के जाता है, और आप ही इंडिया हो। ये चीज मत भूलो कि ये इंडिया, ये देश आपसे है, और हर एक व्यक्ति इंडिया है यहाँ पे, हर एक व्यक्ति भारत है। और जब कभी करेंगे उसी जिम्मेदारी से, उसी मजबूती से और उसी जोश खरोश से उनका स्वागत करेंगे और उनको घुमाएंगे और हमेशा उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि वो आपके लिए एक आदमी जाए और 10 आदमी और भेजे कि भाई इसी गाइड को करना है, इससे आपका। दोस्तों, मुझे हर्ष है कि हम अपने राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को जब भी सेलिब्रेट करते हैं तो उन वीर सपूतों का नाम लेते हैं जिनके कारण हम आज़ादी का एक एक सांस ले पा रहे हैं, उनके नाम आज भी हमारे दिलों में बसे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, विपिन चंद्र पाल जी, लाला राजपत राय जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, विपिन चंद्र जी, सुभाष चंद्र बोस जी, और भी कई क्रांतिकारी हैं जिन्हें कि हम हमेशा याद करते हैं। इनके बलिदान के कारण ही आज हम सभी लोग आज़ादी की सांस जी रहे हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। सच में उन माताओं को, उन बहनों को, उन सारे परिवारों को नमन है दिल से जिन्होंने हमें आज़ादी की ये सांसें दिलाई और खुद शहीद हो गए। आज 15 अगस्त 2023 है और आज के दिन भारत की आज़ादी को पूरे 76 साल हो गए हैं और हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह आज़ादी हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान के कारण मिली।
उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दाव में लगा दिया था। तब जाकर कहीं 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। आज का दिन उन वीरों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिनके कारण हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। हम सभी भारतवासी दिल से उन सभी वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। सच में महान हैं वो लोग जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। मैं उन सभी वीरों को अपनी ओर से व आप लोगों की ओर से दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। दोस्तों, भारत भले ही विविधताओं से भरा देश हो, विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं, जातियों, धर्मों और वेशभूषा वाले लोग रहते हों, सबका रहन सहन अलग हो, लेकिन स्वतंत्रता दिवस का दिन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन देशभक्ति की भावना लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक ही तिरंगे के नीचे भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते हैं। वास्तव में आज का दिन इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले उन सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार कराने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।